न्यूज लाइव देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही स्थगित हो गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद 3 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया। हरियाणा विधानसभा का एक दिन का सत्र आज जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने हंगामा किया जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। किसानों के मुद्दे को उठाया कांग्रेस ने और सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले ही विपक्ष की रणनीति तैयार थी। विपक्ष लगातार कह रहा था कि एक दिन के सत्र का कोई मतलब नहीं है, बहुत से मुद्दे हैं जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। जैसे ही सदन आज शुरू हुआ, आक्रामक विपक्ष सवाल दागने लगा, किसानों का मुद्दा उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने किसानों के मुद्दे को उठाया और कहा कि किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, प्रदेश में कोई एक किसान ऐसा नहीं है जिस पर कर्जा नहीं हो, किसानों की जमीनों पर कुर्की के नोटिस दिए जाते हैं सरकार की ओर से। ये तमाम बातें आक्रामक विपक्ष ने रखी। सदन में हंगामा हुआ और उसके बाद स्थगित कर दी गई कार्यवाही। अनिल कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल, पहले ही इस बात की अटकलें थीं, क्योंकि विपक्ष काफी आक्रामक था और आरोप यही लगा रहा था सरकार पर कि एक दिन के सत्र से भला क्या बात बनेगी, बहुत से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। किसानों के मुद्दे को विपक्ष ने आक्रामक तरीके से उठाया और शायद यही वजह रही कि खूब हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जी बिल्कुल, आज किसानों के कर्ज माफी को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष जो है मांग कर रहा था कि किसानों के कर्जे माफ किए जाएं और इसके साथ साथ वो किसानों से अन्य जुड़े मुद्दे भी उठाना चाहता था, लेकिन सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब ना मिला, तो इसके चलते विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर गए। सरकार क्या कह रही है, कार्यवाही स्थगित हो गई है और कांग्रेस और इनेलो दोनों बहुत आक्रामक थे, क्या सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कोई बयान बीजेपी के किसी नेता या मंत्री की ओर से? जी, कृषि मंत्री का कहना है कि विपक्ष केवल नारेबाजी कर रहा है और किसानों के प्रति विपक्ष की गंभीरता नहीं दिखाई देती, ये जो है सरकार की तरफ से कहना है। लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो विधानसभा अध्यक्ष का रवैया जो है सदन में ठीक नहीं है, अच्छी। इससे पहले जब ये सत्र शुरू नहीं हुआ था, हमने देखा था कि कल और परसों भी इनेलो और कांग्रेस दोनों ही बहुत अटैकिंग मोड में थे और ये आरोप भी लगाया कि अब सदन की कार्यवाही कब बुलाई जाएगी, कब तक चलेगी, ये सब कुछ सरकार डिसाइड कर रही है, विधानसभा अध्यक्ष का कोई रोल ही नहीं है। जी बिल्कुल, सरकार डिसाइड कर रही है। आज भी सदन में ये मामला आया था और विपक्ष के नेता जो अभय चौटाला ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं सरकार चला रही है, तो इस पर जो विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब दिया कि जो करके एक दिन का सत्र बुलाना पड़ा और आगे से ख्याल रखा जाएगा और आगे से जो सत्र होगा बड़ा होगा, और जो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो आगे सत्र बुलाया जाएगा पहले ही सबको इतला कर दिया जाएगा। अच्छी, लेकिन इस एक दिनी सत्र का कोई लाभ अनिल, चूंकि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी लाजमी है, किसानों का मुद्दा भी उठाने की कोशिश की जब विपक्ष ने, तो हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई, ऐसे तो किसी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से सदन की कार्रवाई अभी तक की हुई है, पहले कांग्रेस ने कर्जा माफी, किसानों के कर्जा माफी को लेकर सदन में मामला उठाया तो आखिरकार उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो कांग्रेस जो है सदन से वॉकआउट कर गई। उसके बाद इनेलो भी कर्जा माफी का जो है मामला उठाया, वो इनेलो जो है चाहती थी कि किसानों और छोटे व्यापारी दुकानदारों का कर्जा माफ होना चाहिए, लेकिन जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने सदन के अंदर ही जमकर नारेबाजी की और उसके बाद सदन से वॉकआउट कर गई। चलिए, शुक्रिया आपका अनिल कुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए। कार्यवाही स्थगित हो गई हरियाणा विधानसभा की।